जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन, सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। यहां पर दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट हो चुका है और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, तो आप इस नंबर पर फोन पे कर सकते हैं 2100 रुपए और आप घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स का नोट्स दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया अध्ययन कर सकते हो, ठीक। तो हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक कर दें और आप दोस्तों इससे दोस्तों ये जो नोट्स हैं इनको घर बैठे आप मंगवा सकते हैं, बढ़िया से नोट्स हैं। और जिनको भी एडमिशन लेना है, निरंतर अभ्यास करना है, अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है, तो इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पंजाब मास्टर कैडर वाले मॉडल पेपर दोस्तों परचेस कर सकते हैं, मॉडल पेपर यानी कि 599 के मॉडल पेपर हैं और दोस्तों ये मॉडल पेपर में 4500 क्वेश्चन, एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन रहेंगे, कुल मिला के 599 में 30 मॉडल पेपर रहेंगे और 2000 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा इसमें रहेंगे आपके लिए टेस्ट देने के लिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते आज का ये सेशन दोस्तों। नोट्स में मैं आपको बता दूं कि जो आप नोट्स मंगवाएंगे उसमें आपको ये हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, ठीक है, हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और ये साठोत्री कविता। तो ये फर्स्ट पार्ट में इतना आपका 15 चैप्टर रहेंगे फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में दोस्तों आपके ये चैप्टर रहेंगे, हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी में विविध, पुरस्कार आदि, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं और प्रमुख कथन, ये चैप्टर रहेंगे जो आप नोट्स मात्र 2100 रुपए में अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, सभी साथी आ चुके हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है, आपको चयन करना है और एक बार जल्दी से शेयर भी कर देना अपने मित्रों तक दोस्तों, फटाफट से। एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे आपके लिए दोस्तों लाइव क्लास लाई जाती है। अब आपको यहां पर बताना है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा आखिर दी किसने है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा, बताएं जल्दी से। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर जो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, अब यहां जागरण सुधार काल, एक चीज बताओ कि अगर आपके घर में नांग घुस जाए, ये फण वाला जो नांग है वो आपके घर में घुस जाए ये वाला, तो आप जागरण करोगे कि सो जाओगे? बोले सर हम तो जागरण करेंगे। अगर आपके घर में नांग आ गया कहीं से तो आप क्या करोगे? जागरण करोगे। तो जागरण सुधार काल कौन कहेगा, कौन कहेगा? डॉक्टर नगेंद्र कहेंगे। बोले सर नांग आ गया तो हम जागरण कर रहे, सोएंगे नहीं, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी को गवारू बोली किसने कहा, गवारू बताइए किसने कह दिया गवारू बोली, फटाफट से बताना है और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना। सर सैयद अहमद खान ने, सर फ्रेडरिक पैक्ट ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि प्रश्न आपका 2 नंबर है, 2 नंबर में आपको जल्दी से बताना है। नीतू गुप्ता जी, पूजा देवी जी, पलविंदर हंस यादव जी ने उत्तर बता दिया, बहुत बढ़िया, कि सर इसमें आपको लगा देना है सर सैयद अहमद खाने। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हिंदी को गवारू बोली किसने कहा, तब आपका राइट सा आंसर हो जाता है गवारू बोली कहा है सर सैयद अहमद खान। यानी कि जो आपका 1 नंबर है, ए नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। संदीप सिंह जी वेरी गुड, ठीक है। कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे, फटाक से बताएं, कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु जी थे, प्रेमघन थे, बालकृष्ण भट्ट थे, या फिर प्रताप नारायण मिश्र थे? एक कविता संवर्धनी सभा कई बार पूछा गया, सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड कर ले सभी साथी। जल्दी ही दोस्तों आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग अभी से एडमिशन ले लें। आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल से आपका एक नया बैच चालू होने वाला है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है अभी से एडमिशन ले लें, नया बैच यानी कि जिसमें आपको शुरुआत से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मात्र 1500 रुपए में आप 12 महीने दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 15 अप्रैल से नया बैच कविता संवर्धनी सभा,
तीन नंबर में आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर है सर भारतेंदु लगा दो, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर भक्तमाल बताना है, गिरियर्सन है, रामचंद्र शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है या फिर भारतेंदु है, जल्दी से बताना है, पटाख से बताइए उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन माने जाते हैं। राइट आंसर चयन करिए जल्दी से। आपने भक्तमाल पढ़ा 1585 में, ठीक है, उत्तर भक्तमाल भी दोस्तों ये रचना लिखी गई, ठीक है। अब इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, तब आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो रहा है उत्तर भक्तमाल के, और बिल्कुल सही आंसर लगाया आपने कि सर ये भारतेंदु जी ने लिखी है, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पांच नंबर के क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव हिंदी वाई रवि सर बताइए जल्दी से, पांच नंबर रामस्वरूप चतुर्वेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, ये आपको बताना है। रितेश मौर्य जी जल्दी से बताओ, दीपिका जी ने बताया कि भक्तमाल की टीका लिखी थी प्रिया दास ने, बिल्कुल सही है। तो बताओ यहां पर रामस्वरूप चतुर्वेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीतू गुप्ता जी, पांच नंबर का क्वेश्चन है। और पांच में बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं इन्होंने राउस से माना है, राउस से ये रासो शब्द की उत्पत्ति, और मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया है दोस्तों पूरा का पूरा कि राउस से किसने माना है, रासो से किसने माना है, राजयस से किसने माना, राजसूय और रासक से किससे माना है, तो ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। तो जिन भी साथियों को दोस्तों ट्रिकी नोट्स मंगवाना है जिसमें आपके लिए महत्वपूर्ण ट्रिकों का भी समावेश किया गया है, जगह जगह पर जहां जैसी उपयुक्त ट्रिक निकली है तो वहां पर ट्रिकों का भी समावेश किया गया है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानते वो राउस से मानते, यानी कि आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। कृषक क्रंदन एक किसकी रचना है, छह नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। स्वानु के एम जी बिल्कुल भक्त नामावली ध्रुव दास की रचना है, बहुत बढ़िया आंसर बताया भक्त स्वानु जी ने। कृषक क्रंदन एक किसकी रचना मानी जाती है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे साथियों ने नोट्स अपने घर मंगवा लिए हैं, वो लाइव क्लास से भी पढ़ रहे हैं और साथ ही दोस्तों नोट्स से भी पढ़ रहे हैं, लगा लगा के याद कर रहे हैं, तो आप भी मंगवा सकते हैं, मात्र ₹2100 पे करना है, आपके घर नोट्स पहुंच जाएंगे हिंदी साहित्य के, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक भी समाहित की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तृत भी है दोस्तों और क्रमबद्ध भी है, ठीक है। तो कृषक क्रंदन किसकी रचना है, छह नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, और छह में आपका उत्तर बोला कृषक का क्रंदन गया, कृषक का क्रंदन अब गया, गया से गया प्रसाद शुक्ल शनि ही, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं यहां पर, प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन है, प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन है, करिश्मा जी अगर पहले करा चुके हैं तो फिर से भी पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर एक बार पढ़ा तो आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, ठीक है। और प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन है, आप तब सही है जब आप पहले पढ़ चुके हैं और आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत हो रहे हैं तो पहले का पढ़ना कोई नहीं है, और एक बार पढ़ना नहीं, सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों एक ही नारा है कि एक पुस्तक को 50 बार पढ़ना है, 50 पुस्तकों को एक बार नहीं पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन है ये आपको बताना है, ये प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम राज्य, ठीक है, बोले जय शंकर, जय शंकर, बोले सर अगर जय शंकर की सभी लोग पूजा करेंगे प्रसाद खाएंगे तो प्रेम राज्य दोस्तों हो जाएगा, है ना, प्रेम राज्य, राज्य में प्रेम फैल जाएगा, ये नंबर सही है। 1889 में जिनका जन्म हो जाता है, छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, ये भी अपन को याद कर लेना है बलजीत जी, बिल्कुल सही है। अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है ये आपको बताना है, बिल्कुल बार बार अध्ययन करना चाहिए, बार बार अध्ययन करोगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी अच्छी और क्लियर होती जाती हैं। अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है, त्रिलोचन को, मुक्तिबोध को, अज्ञेय को या फिर नाथुराम शर्मा शंकर को,
ठीक है, ये आपको राजेश चौधरी जी बताना है, 8 नंबर का क्वेश्चन बताना है। और आपने शुरुआत से तो पढ़ते आ रहे हो कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, पढ़ते आ रहा ना ये, कब से पढ़ते आ रहा है। तो करत करत अभ्यास का मतलब क्या है कि उन चीजों को बार बार पढ़ने से, अभ्यास करने से आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाती हैं, ठीक है। और जो आपका 2-3-4 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, वो इसलिए रुकता है कि आप एक बार पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो, बस उसके बाद आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो यहां पर अवध का किसान कवि किसे कहा जाता, 8 नंबर का क्वेश्चन कहा जाता है त्रिलोचन। अब त्रिलोचन का वास्तविक नाम आपको बताना है। देखो रितेश जी बता रहे पहले से कि सर आप तो पूछने ही वाले हो, ये है ना, समझने लगे हैं अब तो सब लेख, ठीक है। तो इनका वास्तविक नाम है वासुदेव सह, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है बताइए, यहां पर कमलजीत जी अब बताओ, ए नंबर लगा दो, अब बताइए जल्दी से, फटाफट से एक बार लाइक कर दो, शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है 15 अप्रैल 2022 न्यू कोर्स आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो न्यू बैच में जिसको भी एडमिशन लेना और पढ़ना है शुरुआत से, तो आप पढ़ सकते हो मात्र 1500 में 12 महीने के लिए दोस्तों, रेगुलर। विकलांग श्रद्धा का दौर 9 नंबर का क्वेश्चन है, और आपने बताया कि सर हरिशंकर परसाई लगा दो, विकलांग श्रद्धा के दौर में हमने परसाई की है, बोले सर श्रद्धा के द्वार में हमने क्या की है, परसाई की है, परसाई, ठीक है। सी नंबर प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, इसके लेखक कौन है, 10 नंबर का क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के लेखक कौन माने जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। अरुण राजपूत जी, पूर्वी जी बताइए, जल्दी से बताना है और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। अब यहां पर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड आपसे पूछा गया है, मुक्तिबोध की रचना है या फिर रांगे राघव की है, देखते हैं कौन कौन बता रहा है, कौन कौन बता रहा है यहां पर सही आंसर, या फिर रामविलास शर्मा का है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने ये बताया प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, ये इसके जो लेखक हैं दोस्तों ये है रांगे राघव, यानी कि ये नंबर आपका यहां पर रांगे राघव सही हो जाएगा, ये नंबर, ठीक है। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, इसकी आंसर आपका रांगे राघव होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर आते हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर, छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली बताना है आपको, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या फिर राजस्थानी हिंदी है, बताओ। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण का के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली बताना है। अपन ने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था, ए वी सी, यानी अवधि बघेली सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये किसकी मानी जाती है, ए बी सी मानी जाती है पूर्वी हिंदी की, और अपन ने एक ट्रिक और बनाई थी पूर्वी हिंदी की, अब छत्तीसगढ़ी, तो अब से अवधि है ना, आ से अवधि, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी हिंदी की अब छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी की कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में आपने देखी है दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाली, और राजस्थानी हिंदी भी आपने पढ़ी है, तो आपका यहां पर ए बी सी हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर पूर्वी हिंदी सही हो जाएगा। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है, बताओ, अभंग के नाम से जाना जाता है, नामदेव, सहजोबाई, कबीर या फिर दादूदयाल के। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, जल्दी से एक बार लाइक करिए, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है, लखविंदर जी बताना है आपको, अपूर्वा जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। सुनील कुमार जी, पायल रानी जी, शिव कुमार जी, सभी लोग बताएं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है, और उत्तर चलता है कि सर जो नाम है वो भंग नहीं होनी चाहिए, अभंग नाम कैसा रहना चाहिए, अभंग, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नामदेव, यानी कि आपका एक नंबर जो है अभंग के नाम से नामदेव की दोस्तों गीतों का संकलन जाना जाता है। महादेवी वर्मा
बौद्ध दर्शन से प्रभावित इनकी रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा की जब भी बात आती है तो 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1907 में। किसका? महादेवी वर्मा का, ठीक है। ये भी याद रख लेना, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। कब मिला था? तो आपको पता है कि सर 1982 में मिला था, ठीक है। किसको? महादेवी वर्मा को। इनकी बौद्ध दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो रचना कौन सी है? निहार, नीरजा, सांदगीत या फिर रश्मि, यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 में आपका उत्तर हो जाएगा रश्मि, यानी कि जो डी नंबर है रश्मि वो बिल्कुल सही है, डी नंबर सही है। पा ध्वनि, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। दंत है, ओष्ठ, मूर्धा या फिर कंठ है? पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए एक बार और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होगा, यानी कि शुरुआत से हिंदी भाषा से पढ़ेंगे अपन, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत पढ़ेंगे, देवनागरी लिपि यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है तो अपन पढ़ना कचट तप, ठीक है, कचट तप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पा जो वर्ग आता है ये ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, ओष्ठ से, ठीक है। तो पा से आपका ओष्ठ हो जाएगा, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। सरल क्वेश्चन है, शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन है, शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य है, किरण है, चंद्रमा है या फिर बादल है? तो बताइए शशांक शब्द का पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन सा शब्द माना जाता है? 15 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाता है शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। 15 का उत्तर चला जाता है कि सर चंद्रमा है, यानी कि आपका जो ए सी नंबर है ये बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। धरती अब भी घूम रही है, बताओ किसकी कृपा से? ये धरती अब भी घूम रही कहानी है, किसकी कृपा से घूम रही है? रतिपाल जी, किसकी कृपा से घूम रही है धरती? ज्ञान रंजन की कृपा से, विष्णु की कृपा से या फिर यशपाल की, किसकी कृपा से? अपन ने पढ़ा भी था, बताएं। लाइक करना है यहां पर सीमा जी, दीपिका जी, बताइए 16 नंबर के क्वेश्चन में धरती अब भी घूम रही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और लगभग सभी से बना गया कि सर विष्णु की कृपा से धरती अब भी घूम रही है, यानी विष्णु प्रभाकर। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये आपको बताना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला, एक बार ऐसा पूछा गया था। अब आपसे पूछ लिया गया कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला और किस रचना के लिए मिला किरण गुप्ता जी, ये भी आपको बताना है। बताइए नेहा जी, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आशा कुमावत जी, सभी लोग बताएंगे हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और सभी लोगों ने बताया कि सर वो रचना थी चिदंबरा, ठीक है, चिदंबरा रचना थी चिदंबरा। और दोस्तों इसके लिए सबसे पहले 1968 में ये पुरस्कार मिला और ये रचना किसकी थी? सुमित्रा नंदन पंत की, जिनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, है ना, कोसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड में, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए, सुजान विनोद इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लाइक कर दीजिए सभी साथी, मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, इतने अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर, इतने बढ़िया से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया सुजान को विनोद, बताओ। अब सुजान आपने नाम सुना होगा कि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। अब सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछा और मैंने आपको याद भी करवाया। देखो बहुत सारे लोग ए लगा रहे हैं, कुछ लोग डी लगा रहे हैं, देखते हैं कौन कौन 18 नंबर में सही बता रहे हैं। कैसे याद किया था, ट्रिक याद है क्या आप लोगों को? सुजान को विनोद देव, सुजान को विनोद देव, तो ये देव जिनका वास्तविक नाम देवदत्त था, जिनका जन्म हुआ था इटावा, इटावा से संबंधित हैं ये देव, ठीक है। रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं देव, देव याद रख लेना। इन्होंने 34वां एक के दोस्तों संचारी भाव माना था, वो था क्या? छल, छल नामक
34वां संचारी भाव किसने माना, ये क्वेश्चन कई बार आया, तो देव कवि ने। ठीक है, आधुनिक काल के गोरखनाथ किसे कहा जाता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आधुनिक काल के गोरखनाथ किसे कहा जाता है, बताएं। जसपाल जी, सोनू जी, राइट आंसर यहां पर सिमरपाल सिंह जी, 19 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। बताइए त्रिगुणायत जी, और यहां पर 19 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर जिनका जन्म हुआ था 1897, कुछ विद्वान 99 मानते हैं, महिषादल मेदिनीपुर में, वो थे ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये भी याद कर लेना, यानी कि बी नंबर इनका सही हो जाएगा, इन्हें आधुनिक काल का गोरखनाथ कहा जाता है निराला जी को। सहजता का कवि किसे कहा जाता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सहजता, बताइए। तो यहां पर 20 नंबर का क्वेश्चन, और मैंने आपको याद भी करवाया है कई बार, ट्रिक से भी याद करवाया है। कुमारी नेहा जी, बताइए यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सृष्टि ठाकुर जी, प्रश्न क्रमांक 20 है, और आपने याद किया था कि सर भवानी का प्रसाद सहज में नहीं मिल पाता, सहज में नहीं मिलता है ना, भवानी के प्रसाद के लिए बोले सर तपस्या करनी पड़ती है, भवानी का प्रसाद चाहिए तो तपस्या करिए, सहज में नहीं मिलेगा भवानी का प्रसाद, तो सहज से सहजता का कवि, और वो कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। कोई बताएगा इनका जन्म कब हुआ था, देखते हैं कौन बता रहा है, मैंने कई बार याद करवाया है। चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन है, प्रीति पुरोहित जी सभी लोग बताएंगे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं फटाफट से, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको चयन करना है। ठीक है, फटाफट से बताइए, जल्दी बताएं फटाफट से, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, और सही अर्थ होता है क्या होता है, क्या होता है चांदी का जूता मारना, 21 नंबर का क्वेश्चन, और अधिक लाभ कमाना नहीं, परास्त करना नहीं, धोखा देना ये भी नहीं, और सर रिश्वत देना, यानी कि बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, और एक और होता है आपको पता है, चाय पानी का मतलब भी होता है रिश्वत देना, बोले चाय पानी का खर्चा तो दे दो, है ना, जब आप जाते हो कहीं भी कोई काम करवाने, अपने भारत में एक और चलता है चाय पानी का खर्चा दे दो, चाय पानी का खर्चा दे दो मतलब रिश्वत दे दो, यही होता ना, आप कहीं जाते हो कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, कहीं पर जाते हो तो क्या बोलेंगे, चाय पानी का खर्चा तो दे दो, है ना, यानी कि रिश्वत दे दो। ठीक है, ये रिश्वत देना, चांदी का जूता मारना, ये बी नंबर आपने सुना है। तो यहां पर आते हैं आख्यायिका शैली, आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, ये 40 मिनट ही चलती है क्लास, अब आपका नेट खत्म हो रहा तो हो जाए, ये 40 मिनट चलती ही है क्लास। ठीक है, तो आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा, जिनका नेट खत्म हो रहा वो बाद में देख लेना। ठीक है, तो आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है ये आपको बताना है, श्यामा स्वप्न, निस्सहाय हिंदू, मेला आंचल, या फिर चित्रलेखा, 22 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, पूजा रानी जी, शिव कुमार जी बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बुलडोजर बाबा आ गए, बहुत बढ़िया, 22 नंबर, मंत्री जी आ गए मतलब क्लास में, 22 नंबर का क्वेश्चन है, और 22 नंबर का क्वेश्चन है कि सर आख्यायिका शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास है श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है, वो बता दिया ठाकुर जगमोहन, बहुत बढ़िया, ये नंबर उतना वह सूरज है कि रचनाकार यानी कि जो लेखक हैं वो कौन है, उतना वह सूरज है, सभी लोग बताएं, अनिल कुमार जी कंफ्यूज ना हो, आधुनिक काल का गोरखनाथ निराला को ही कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक काल का कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 नंबर का क्वेश्चन है, उतना वह सूरज है रचना के लेखक कौन है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए, प्रश्न क्रमांक 23 नंबर का क्वेश्चन है, अनुराग जी, अनीता सिंह जी सभी लोग बताएंगे, वीरेंद्र जी प्रजापति, 23 नंबर का, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर, ठीक है, आप दोस्तों ये ट्रिकी जो नोट्स हैं
जहां पर आपको बहुत बढ़िया ट्रिकों का भी समावेश किया गया है, आप मंगवा सकते हैं अपने घर में। उतना वह सूरज है रचना के लेखक कौन है, तो 23 नंबर के क्वेश्चन में आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, भारत भूषण अग्रवाल। भारत में उतना वह सूरज है, ठीक है, बिल्कुल सही है। जिस छंद के पहले चार चरणों में रोला और बाद में दोस्तों दो चरण में उल्लाला होता है, इसमें 24-28 मात्राओं के योग से 52 मात्राएं होती हैं, वो छंद कौन सा है बताओ। 24 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया आपने तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए। यहां पर श्वेता रानी जी, प्रणव जी, फटाक से बताइए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, लाइक भी करना है जल्दी से। सही आंसर क्या है यहां पर 24, जिस छंद के पहले चार चरणों में रोला और बाद में दोस्तों जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, 24 नंबर और बिल्कुल सही है। छप्पे छप्पे और छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है ये भी आपको बताना है। जब छप्पे छंद की बात आती है तो छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है ये भी क्वेश्चन आपको बताना है, तो बताइए जल्दी से। उसके बाद सारंग का पर्यायवाची शब्द बताना, सारंग का पर्यायवाची क्या है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। सारंग का पर्यायवाची क्या माना जाता है, नमक, सारथी, मोर, घोड़ा, तो 25 नंबर के क्वेश्चन में आपको लाइक भी करना है, जल्दी से बताना भी है, फटाक से सभी लोग बताएंगे सारंग का पर्यायवाची क्या माना जाता है। 15 अप्रैल से नया बैच चालू होने वाला है, 15 अप्रैल से, ठीक है, जिसमें आपको शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, तो जिनको भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं मात्र 1500 रुपए में दोस्तों, ठीक है, और 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी, विस्तृत पढ़ाया जाएगा आपको। सारंग का पर्यायवाची शब्द बताना 25 नंबर के क्वेश्चन में, उत्तर हो जाएगा मोर यानी सी नंबर, ठीक है, मोर आपका राइट आंसर है, सारंग का पर्यायवाची सी आपने सही बताया है। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत क्या है, दार्शनिक मत क्या है, द्वैता द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य और मैंने आपको कई बार याद करवाया, पूजा वर्मा जी जल्दी से बताइए, माया राम जी, प्रियंका जी, प्रमोद जी, निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत क्या है 26 नंबर के क्वेश्चन में, सभी लोग बताएं। 26 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है यहां पर और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर निम्बार्काचार्य का जो दार्शनिक मत है वो मत है द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही है, ठीक है, द्वैता द्वैतवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत कहलाता है द्वैता द्वैतवाद। देत देत निम्बू देत देत थक गए बोले सर, हिंदी में पहली बार बारहमासा वर्णन किस है दोस्तों, किस रासो ग्रंथ में हुआ है, किस रासो ग्रंथ में हुआ है, 27 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताएं और राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताइए फटाफट से बताना है। 27 नंबर के क्वेश्चन है, हिंदी में पहली बार एडमिशन ले लो यार त्रिगुणायत जी, एडमिशन ले लो, बिल्कुल करवाएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे, चिंता नहीं करो। हिंदी में पहली बार बारहमासा वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिला, 27 नंबर का क्वेश्चन है, परमाल रासो में, कुमार रासो, भीषल देव रासो या फिर हमीर रासो में, तो हिंदी में पहली बार बारहमासा वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिला, 27 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और आपने बता दिया कि सर भीषल देव रासो लगा दो, जो कि श्रृंगारिक रचना है जिसके रचनाकार माने जाते हैं नरपति नाल, और यहीं से बारहमासा का वर्णन दोस्तों मिलता है, तो आपका उत्तर सी नंबर। अनाथ का विलोम क्या होगा, 28 नंबर का बताइए, आशा कुमारी जी सभी लोग बताएंगे, लाइक कर दो सभी साथी और सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी दबा दिया करो दोस्तों, ताकि आपके पास बिल्कुल ये जो है इंफॉर्मेशन पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे क्लास स्टार्ट होने की। अनाथ का विलोम क्या होगा पूछा गया है आपसे 28 नंबर के क्वेश्चन में, बताइए अनाथ का विलोम धनी, सनात, निर्धन या फिर बेकार, तो जल्दी से बताना है, ठीक है। नौकरियां आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन अध्ययन कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो निरंतर अध्ययन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अनाथ का विलोम होता है सनाथ, यानी कि आपका जो बी है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से बताइए मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है, बताएं विश्वास मलिक जी,
मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। आराधना जी, स्टडी विथ जी, अजित जी, बताइए यहाँ पर मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल ये लाइव क्लास रोज चलती है पूजा रानी जी, है ना, 9 बजे। और जिनको भी एडमिशन लेना है, 2 क्लासें पैड क्लासें भी चलती हैं, 1 5 बजे चलती है, 5 से 5:40 चलती है, 1 6:30 बजे चलती है, 6:30 से 7:10 तक चलती है दोस्तों, ठीक है। ये न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, न्यू बैच यानी कि शुरुआत से 1500 में 15 तारीख से पढ़ने को आपको मिलेगा 12 महीने तक, ठीक है। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार वेणी माधव दास, ठीक है। तो आपका उत्तर बी नंबर, रस रत्न के रचयिता कौन माने जाते हैं? 30 नंबर का क्वेश्चन है, रस रत्न के रचयिता कौन माने जाते हैं? जान कवि, शेख निसार, शेख नबी या फिर पोहेकर, बताएं पूजा जी, माया राम जी। 30 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रस रतन, बोले रस रतन की पोहकर कर दो, फोहार कर दो, बोले सर पोहकर कर दो थोड़ा सा, ठीक है, रस रतन की क्या कर दो, पोहकर कर दो, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर जा रहा है पोहकर, यानी कि डी नंबर, डी नंबर बिल्कुल सही है बीनू सरोज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ सा का उच्चारण बताना है, जल्दी से बताओ, कंठ है, तालु है, दंत है या फिर मूर्धा है? बीच बीच में तो अलग अलग क्वेश्चन भी, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी आपको प्रेषित किए जाते हैं वीके शर्मा जी, ठीक है। जिनको भी नोट्स मंगवाना है मंगवा सकते हैं, बहुत सारे साथी नोट्स मंगवा चुके हैं, पहुंच भी गए हैं दोस्तों बहुत सारे साथियों के, ठीक है। तो यहां पर ये उच्चारण स्थान बताना है बुलडोजर बाबा, 31 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर बताइए फटाफट से। उत्तर आ गया मूर्धा, बिल्कुल सही आंसर आया, डी नंबर सही आया। नेक्स्ट, कामायनी का सर्ग नहीं है, कामायनी में कितने सर्ग, 15 सर्ग, 1935 रचना काल, ठीक है। 15 सर्ग आपको पता होनी चाहिए, कामायनी के बारे में ये भी पता होनी चाहिए कि जो कामायनी है ये महाकाव्य है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। और एक कामना नाटक के आधार पर दोस्तों लिखा गया प्रतीकात्मक महाकाव्य है, ये भी आपको बताना है। तो यहां पर 32 नंबर का क्वेश्चन, और 32 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर जो इच्छा है, इच्छा ये इसका सर्ग नहीं है, इच्छा इसका सर्ग नहीं है, यानी कि डी नंबर आपको पता है, मैंने कई बार याद करवाए आपको, ठीक है। SDVG है ना, ये इच्छा नहीं है भैया, डी नंबर नहीं है। प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक, बौद्धों के पतन के दोस्तों काल, पतन काल का है, बताओ वो नाटक कौन सा है। प्रसाद का प्रथम नाटक भी आपको बताना, अंतिम नाटक भी आपको बताना है। प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का माना जाता है, जल्दी से बताइए और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए फटाक से। तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसाद का प्रथम नाटक माना जाता है सज्जन, प्रसाद का अंतिम नाटक माना जाता है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। तो यहां पर 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, आपका राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, और सभी लोग बता रहे हैं यहां पर, जल्दी से बताओ कौन सा है अंतिम नाटक, सॉरी बौद्धों के कथानक का जो नाटक है वो है दोस्तों कौन सा, विशाख, विशाख है, यानी कि डी नंबर सही है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है बताओ, जल्दी से बताना है। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल भी बताइए, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल भी आपको बताना है, बताओ सरबजोत जी बताना यहां पर, चंचल राजपूत जी बताएं, रेखा त्रिपाठी जी यहां पर, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का नाम क्या है, नायिका कौन है, अलका है, कल्याणी है, मालविका है, कॉर्नेलिया है? तो सभी को पता है कि सर इस चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कॉर्नेलिया, ठीक है, कॉर्नेलिया है। इसका रचना काल क्या है बताओ, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है फटाफट से बताइए। गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के लेखक कौन है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताना गांधीवाद की 100 परीक्षा ये निबंध किसका है, गांधीवाद की 100 परीक्षा पूछा गया है निष्ठा त्रिवेदी जी, बताएं गौरव कुमार जी, 35 नंबर, DCP क्लासेस, जल्दी बताओ 35 नंबर में, गांधीवाद की 100 परीक्षा
निबंध किसका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और 35 नंबर में आपका उत्तर चला गया कि सर गांधीवाद की 100 परीक्षा यानी कि ये जो निबंध है ये निबंध यशपाल का है। यशपाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर जिन्होंने भी लगाया उनका आंसर सही है। लहू पुकारे आदमी, कहानी के कहानीकार कौन है? लहू पुकारे आदमी। जितने भी साथी हैं शेयर जरूर किया करें दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस से एक बार जुड़ जाएं, मन नहीं करेगा आपका कभी, ऐसे हम हिंदी साहित्य अकेडमी, आपका कभी मन नहीं करेगा कि सेल्फ स्टडी क्लासेस को छोड़ें। आपको ऐसा लगेगा अगर जिस दिन क्लास अटेंड नहीं करोगे ऐसा लगेगा कि आज कुछ अधूरा अधूरा है दोस्तों। बाकी सभी साथियों से पूछिए जिन्होंने के क्लास को अटेंड किया है, एक बढ़िया परिवार सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार दोस्तों, ठीक है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। लहू पुकारे आदमी, कहानी के कहानीकार कौन है, 36 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपने बताया कि सर मधुकर सेन, कौन है? मधुकर सेन है, डी नंबर आपका सही है, मधुकर सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्ला कहानी सेलसीमा बेगम का हिंदी रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण है तो कौन सा है दोस्तों, कौन सा है? रसिया वालम है, दुखवा में कासो कहू मोरी सजनी, दुलाई वाली बेंटो वाली विधवा, ये आपको बताना है। सीताराम जी जल्दी से बताइए, 37 नंबर का क्वेश्चन और 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट, ठीक है, बिल्कुल जल्दी बताओ। बांग्ला कहानी सेलसीमा बेगम का हिंदी रूपांतरण आपको चयन करना है 37 नंबर के क्वेश्चन में, आपको बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा दुखवा में कांसो कहूं मोरी सजनी, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट है, ठीक है। जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से समानता बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी दोस्तों किसी विशेष बात से समानता बताई जाए, विशेष बात से समानता बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान होता है, संदेह होता है, विभावना होता है या फिर उदाहरण होता है? बताइए साहित्य सेवा जी, प्रीति जी, पुरोहित जल्दी से बताएं, गीता जी, रजनी शर्मा जी, राइट आंसर यहां पर क्या है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको पता ही है कि सर यहां पर डी नंबर लगा दो, बहुत ही बढ़िया आंसर आया। दारसू शर्मा जी डी नंबर लगा दिया, डी नंबर ठीक है। एक सड़क 57 गलियां, रचना के लेखक कौन है? 39 नंबर का क्वेश्चन, एक सड़क 57 गलियां, जसमेल जी बताएं, रीता कांत जी, अनुराग जी, वीणा जी, 39 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया सा पूछा गया, एक सड़क 57 गलियां और जल्दी से बताना है दोस्तों। हिंदी साहित्य के कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप 1500 में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोर्स मंगवाना है तो आप 2100 रुपये में दोस्तों नोट्स मंगवा सकते हैं, प्रिंट वाले नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। एक सड़क 57 गलियां, 39 नंबर का क्वेश्चन, बोले सर एक सड़क 57 गलियों में क्या खेला? बोले कमल खेला, कमल, तो कमल से क्या हो जाएंगे? कमलेश्वर, कमलेश्वर हो जाएंगे, यानी कि आपका जो बी नंबर है ना ये बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, कमलेश्वर आपका राइट आंसर चला जाएगा। बट वृक्ष की छाया में जीवनी साहित्य के लेखक कौन है दोस्तों, बताएं? बट वृक्ष की छाया में, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्तों निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहे इसी प्रकार से लाइव क्लासों के माध्यम से दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस में ये दोस्तों क्लास निरंतर चलती हैं। बट वृक्ष की छाया में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, लाइक जरूर करिए सभी साथी, है ना, और आपका उत्तर हो जाएगा कुमुद नागर द्वारा ये जीवनी साहित्य दोस्तों लिखा गया, लेकिन ये किसके जीवन पर लिखा गया ये भी आपको बताना है। बताइए किसके जीवन पर लिखा गया, फटाफट से बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गालिब छूटी शराब आत्मकथा के लेखक कौन है? गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया, भगवती चरण वर्मा, कमलेश्वर, कमलेश्वर या फिर डॉक्टर नगेंद्र, बताओ। गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब इस आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? 41 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है, फटाफट से बताइए जल्दी से। सिमी टंडन जी संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर लिखा है। गालिब छूटी शराब इसके आत्मकथा के लेखक कौन है? 41 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया सा यहां पर प्रश्न आपसे दिया गया है और गालिब छूटी शराब, तो बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? जब कालिया बन जाती है ना, कालिया कौन? ये रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया, ठीक है। गालिब छूटी शराब, ठीक है, ये याद रख लेना है।
कालिया। गालिब छूटी शराब, बोले कैसे छूटी शराब? बोले सर कुछ ना मत पूछो, पत्नी कालिया बन गई थी। पत्नी अगर कालिया बन जाए तो शराब वराब सब छूट जाती है, ठीक है, शराब छूट जाती है। तो रविंद्र कालिया, ये गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, ठीक है। ये नंबर पिंजरे में मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है, ठीक है। जो पेड क्लास होती है दोस्तों उसकी क्लासें चलती है, एक चलती है 5 से 5:40 तक, फिर दूसरी चलती है 6:30 से 7:10 तक, ठीक है। तो याद रख लेना ये दो क्लासें आपके लिए पेड चलती हैं। 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो पिंजरे में मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है, 42 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर जल्दी से बताएंगे, पिंजरे में मैना बोले रिक्शा पर बैठ के जा रही सर, रिक्शा पर, रिक्शा यानी कि चंद्र किरण सोन रिक्शा, ठीक है। तो बाहुबली कटप्पा जी आ गए, बहुत बढ़िया, चंद्र किरण सोन रिक्शा, पिंजरे में मैना, बहुत दिन के बाद दर्शन हुए कटप्पा जी के, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, तो यहां पर जल्दी से बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदिन बेलोग रेखा चित्र के लेखक कौन है, बेदिन बेलोग, डॉक्टर नगेंद्र, महेंद्र भटनागर, शिव पूजन साहे, सेठ गोविंद दास, बताइए बिल्कुल फटाफट से बताइए। रवि जी ने भी एक दोस्तों साहित्य का कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए चैनल खोला है ना, तो आप लोग भी देख सकते हैं उसको, ठीक है, आपको मटेरियल अच्छा लगे देखें, ठीक है। बेदिन बेलोग रेखा चित्र के लेखक कौन है, आपकी पढ़ाई निरंतर होनी चाहिए दोस्तों, आप कहीं से भी पढ़ो आपको मटेरियल मिलना चाहिए, ठीक है, जहां आपको अच्छा लगे वहां पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपको जो मटेरियल अच्छा लगे, जहां आपको दोस्तों अच्छा पढ़ाया जाए आपको वहां पर पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल भी मैं कभी प्रतिबंधित नहीं करता आपकी, आप मेरे ही चैनल से पढ़ें, ठीक है, जहां भी आपको लगता है आप पढ़िए, मटेरियल पढ़िए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए बस, ठीक है। बेदिन बेलोग, बोले सर बेदिन बेलोग एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी दोस्तों, बेदिन बेलोग क्या करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शिव की पूजन यानी शिव पूजन सहाय, यानी सी नंबर, शिव पूजन सहाय आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन किस ग्रंथ का है, ग्रंथ का नाम बताना है, उस ग्रंथ के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। फटाफट से बताना है और लाइक भी कर देना है, जल्दी से कभी भी कर सकते हैं, सिमी टंडन जी कभी भी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक है, बताइए। यहां पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किस ग्रंथ का है, 44 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताएं, 44 नंबर का क्वेश्चन है, और लाइक जरूर करिए, लाइक में दोस्तों बने रहना है यहां पर, और आपका उत्तर होगा कि सर ये जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम है ये साहित्य दर्पण से लिया गया ये दोस्तों कथन है, और ये कथन, ये जो ग्रंथ है ये विश्वनाथ का है, किसका है, विश्वनाथ का है, पढ़ा है आप लोगों ने, सी नंबर करेक्ट आंसर। करुण रस का स्थाई भाव, करुण स्थाई भाव का नाम क्या है, मतलब करुण रस का स्थाई भाव क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, करुण रस का स्थाई भाव बताना है आपको, आपको करुण रस के जो है स्थाई भाव पता होनी चाहिए सभी, सॉरी स्थाई भाव जितने भी हैं वो सभी को पता होनी चाहिए। विकास भारती जी बताओ करुण रस का स्थाई भाव क्या है, 45 नंबर का क्वेश्चन है, और बढ़िया सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। सृष्टि ठाकुर जी, तनु जी, साहित्य सेवा जी, उपमा चौधरी जी, इतना अच्छा क्वेश्चन, करुण रस का स्थाई भाव। अपने सभी साथियों को बता दें कि 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपन, 15 अप्रैल से, ठीक है, तो करुण रस का स्थाई भाव, उसके पहले दोस्तों आप लोग एडमिशन ले लें 45 नंबर का क्वेश्चन में, और आपको पता है कि सर करुण का स्थाई भाव है शोक, ठीक है। जिनमें से दोस्तों आपके एक दो ऐसे दोस्तों रस हैं जिन्हें आपसे पूछे जाते हैं, संतोष जी ठेस शब्द क्या है, ठेस संकर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, या फिर देशज है, 46 नंबर का क्वेश्चन है, ठेस शब्द के बारे में आपको बताना है, ये ठेस शब्द है तो क्या है। कमलाकांत जी, पूनम जी बताइए, अरुण जी, सभी लोग बताएंगे, विकास भारती जी, रतिपाल जी लाइक कर देना है, सीताराम मीना जी, जाहेद अली जी, सभी लोग बताएं, हाँ, तो ठेस का उत्तर बताना है 46 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर हो जाता है देशज, देशज यानी कि डी नंबर,
देशज, डी नंबर आपका सही है, देशज राइट आंसर है। ठीक है, तो बहुत सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहें इसी प्रकार से, अध्ययन करते रहें, आपका अध्ययन होनी चाहिए। और आपको पता है कि ये 9 वाली क्लास आपके लिए फ्री रहती है और निरंतर 4 वर्षों से दोस्तों रेगुलर चलती रहती है क्लास, आप लोगों के लिए फ्री रहती है क्लास 9 वाली, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास करवाए जाते हैं, हमारा और आपका संवाद हो जाता है, दो बात आप कहते हो दो हम भी कह लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो दोस्तों वार्तालाप है ये चलता रहता है, मेल मिलाप चलता रहता है, और मिलते जुलते रहो तो जान पहचान बनी रहती है ना। तो अपना ये 9 क्लास, 9 वाली जो क्लास है इसमें दोस्तों ये सानंद संपन्न हुई आज की क्लास, पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, मिलते रहो, मिलाते रहो, अपने सभी साथियों को बताते रहो, सेल्फ स्टडी क्लासेस इस परिवार को बढ़ाते रहो। ठीक है, इसी प्रकार से प्रमोद जी, अनिल कुमार जी, रिया शर्मा जी, बहुत सारे हमारे साथी हैं, है ना, जिनको तो ये लगता है कि सर हमें और दूसरी क्लास अच्छी ही नहीं लगती, है ना। तो जो जहां जिसको अच्छी लगे, जहां पसंद आए, वो पढ़िए दोस्तों। मैं कभी आपको ये नहीं रोकता कि आपको पढ़ने को कहाँ से मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा। मैं भी दूसरों की क्लासों को देख लेता कभी कभी, कोई उससे क्या है, ज्ञान जहां से भी मिले लेना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों पढ़ना चाहिए, कोई द्वेष भाव नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना, कोई कहीं वो नहीं। अगर शुद्ध माइंड और अच्छे मन से दोस्तों करोगे, अच्छे मन से पढ़ोगे, अच्छे मन से आगे बढ़ोगे, है ना, अच्छी भावना से आगे बढ़ोगे, तो निश्चित ही बहुत सारी चीजें आपके खाते हुए चली जाती है। ठीक है, और सरबजोत जी, प्रियंका जी, रश्मि पाठक जी, जया जी, विकास भारती, बाहुबली कटप्पा जी हैं, ठीक है, संगीता जी, बबीता जी, सरबजोत जी, बीनू, रीता कांत जी, दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग सेल्फ स्टडी कर क्लासेस परिवार में बने रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, पूजा रानी जी, कॉम्पिटिटिव हिंदी वाई रवि सर जी हैं, इन्होंने भी एक चैनल खोला है। ठीक है, बिल्कुल है, प्रमोद जी, अशोक प्रजापति जी, सुनैना जी, विकास भारती जी, कुमारी नेहा जी, रश्मि पाठक, जिनको भी दोस्तों ये मंगवाना हो कोर्स, ये नोट्स मंगवाना हो, जिसमें आवश्यक महत्वपूर्ण दोस्तों ट्रिकों का मैंने समावेश किया है, आगे भी और संशोधित कर करते दोस्तों मैं ट्रिकों का समावेश उनमें कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि हिंदी साहित्य को एक ऐसी दोस्तों ट्रिकी ट्रिक में समावेश कर दिया जाए ताकि आपको बहुत ही सरल हो जाए। लेकिन जब से हिंदी साहित्य दोस्तों मैंने पढ़ाया और सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से आप लोग जुड़े हैं, तो निश्चित ही आप स्वयं अपने मन से सोचना कि साहित्य कितना सरल आपको लगने लगा है। पहले साहित्य कितना कठिन लगता था और अब साहित्य कितना सरल लगने लगा है, ये थोड़ा सा अपने आप से पूछना जब से आप सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़े हो और अध्ययन कर रहे हो निरंतर। ठीक है, तो बिल्कुल सभी साथियों को धन्यवाद, और दोस्तों जुड़े रहें, 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिनको भी एडमिशन लेना है आप 1500 में 12 महीने के ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। संदीप सिंह जी, जय हिंद।